के पेट्रोल खत्म हो गया, थोड़ी हेल्प कर दो, हुक्म करो, थोड़ी सा तेल भोने बेनती है। हाँ चलो बैठो। काल सलाम एंड नमस्कार, हम हैं आपके होस्ट एंड दोस्त दिलप्रीत सिंह एंड हमारे सामने खड़ा है हमारा ग्रीन गॉब्लिन। सो वेलकम टू अनदर डे इन माय लाइफ। हाँ जी भाई जी, दवाई देने आए हैं। सो वेलकम टू अनदर डे इन आवर लाइफ। तो हम जा रहे हैं करोल बाग। हमारा जो पैंथर है उसकी जो फ्रंट का जो पोर्शन है वो पेंट वेंट हो गया है। आज जा रहा हूँ वहाँ पर। हाँ तू आ जा। हाँ बोल साले, बोल बोल। अपनी क्वालिटी में चलो मैं सेफ समझता नहीं खींचना है, बच्चा को आ जाए तो आ जाए, लेकिन अभी क्या करो, ये कुत्ते ऐसे साले लास्ट टाइम नहीं किया था, पैर पे काट गए थे मेरे। तो हाँ जी, तो हम जा रहे हैं करोल बाग मासूम के पास, क्योंकि जो नोज़ है हमारी बाइक की वो पेंट हो चुकी है, बाकी सब तैयार हो चुकी है। तो मैं कह यार तू नोज़ मुझे दे दे, मैं उसको रैप करवा लूँ एक बारी, फिर उसके बाद एक ही बार फिटिंग कराइयो, क्योंकि पहले मैं यहाँ से पेंट करा के पूरी जुड़वा के लेके जाऊँ वहाँ पर, फिर वहाँ पर पूरी नोज़ खुले, फिर से रैप हो, उसके बाद फिर से बंद हो, तो टाइम बहुत वेस्ट हो जाएगा। तो छोटा मोटा काम है तब तो और निपटा ले। तब तक हम इसकी जो नोज़ है वो पेंट करा के आए थे, क्योंकि एक्चुअली हेडलाइट हमने ऑर्डर कर रखी है, हेडलाइट अभी तक आई नहीं है, बाइक इस चक्कर में अटकी हुई है वहाँ पर। एंड कुछ होली की छुट्टियाँ थी तो दो दिन तीन दिन कह रहा था लेबर नहीं है यार, पेंट वेंट वाले नहीं थे, ये नहीं था वो नहीं था, तो उस चक्कर में थोड़ा सा जो समय है वो फालतू लग गया है। अब क्या करें, लगता रहता है, करना पड़ता है। सतनाम श्री वाहिगुरु जी। और हमारे अचरा साहब मतलब सुमित अचरा साहब हमारे वहाँ मासूम के मेरी वेट कर रहे हैं, कुछ काम है आपस में, कुछ वार्तालाप करनी है, कुछ डिस्कशंस करने हैं, डिस्कशंस समझ रहे हैं। तो फटाफट रेलेट ओवर हो जाए, ओवर नहीं ओवर रेलेट ओवर हो जाए, फिर चलते आगे। रास्ते में कुछ बातें करेंगे, कुछ हाइपर राइड करेंगे, कुछ डिस्कशन करते हैं। चलो आ गया छोटा सा टनल, ये वह टनल पे देखो अब ये हमारे घर के पास छोटा सा टनल है, तो खिंचा मार रहा था ना, मतलब पक्का ही बनता है इस पर फिर भी देख ले जाना आगे कुछ है तो नहीं खाली पड़ा है। चलो शुरू करते हैं। जबरदस्त मजा आ गया। आस पास लोग हिल जाते हैं तो गाली देते हैं, साले भाई भगा रहा है, मरेगा मरेगा पक्का जाके मरेगा, ऐसे लोग बोलते होंगे। अरे लगता है इनको मदद की जरूरत है, बड़ी रुक जाते हैं। पेट्रोल के पेट्रोल खत्म हो गया, थोड़ी हेल्प कर दो, हुक्म करो, थोड़ी सा तेल भोने बेनती है। हाँ चलो बैठो, वैलेट रहेगा मेरे पोगल तक पहुंचो। कोई गल नहीं, कोई मैं पेट्रोल नहीं छोड़ता, लात नहीं लगवा सकता, मेरे रोड पे ही हुई है। अच्छा तो तुझे बैठ जाओ ना, मैं तुम्हें पैर लगा दूंगा। नहीं मैंने पता है, अच्छा कोई मैं बेनती कर सकता, मैंने उधर पहुंचवा दे बड़ी देर में। हेलो थैंक यू सो मच। कोई गल मानना पर्सनली ऐसा है कि अगर आपको जेन्युइन नहीं लगे किसी को हेल्प की जरूरत है, जैसे वो बंदा बाइक पे धक्का लगा रहा था तो ऑब्वियसली होता है जेन्युइन इशू होगा। कई बार होता है ऐसा यार कि वॉलेट रह जाता है, मैं भी उस जगह पर हो सकता हूँ, एंड वो जिस जगह नाम ले रहे हैं भोगल वो काफ़ी दूर भी है यहाँ से। तो अगर ज़रूरत है और आपको लगता है जेन्युइन है तो प्लीज़ मदद कर दिया करो किसी की भी यार। हम कुछ भी नहीं है, 100-200 रुपये किसी के लिए मैटर नहीं करते, बट अगर कोई उससे अपने घर पहुंच जाए, परेशानी कम हो जाए किसी की, तो आपको दुआ ही देगा, बद्दुआ कभी भी नहीं देगा, याद रखना। और ऐसी जो दुआएं हैं ना वो ज़िंदगी में हमेशा काम आती है। मैंने अपनी ज़िंदगी में इजमाया है, मैंने कुछ कमाया नहीं कमाया, लेकिन ये चीज़ ज़रूर देखी है कि अगर आप किसी के लिए कुछ अच्छा करोगे तो रब देख रहे होते वीरे, बल्कि भगवान ऊपर देख रहा है, वो आपकी ज़रूर अच्छा करता है, आज नहीं तो कल,
जो आपके बुरे कर्म है ना वो सिकड़ जाते हैं, क्योंकि हर कोई बुरा कर्म करता है, चाहे मैं हूँ चाहे कोई भी हो चाहे आप ही हो, हम सब कहीं ना कहीं गलतियाँ करते हैं, कई बार जानबूझ के गलत काम कर देते हैं, कई बार अपने सेल्फिश होकर गलत काम कर देते हैं, तो ऐसे छोटे छोटे जेस्चर्स जो हैं वो हो सकते हैं हमारे लिए कुछ बुरे काम कम कर दें, उस नरक का जो रास्ता हमारे लिए खुल रहा है वो थोड़ा सा बंद हो जाए, कुछ स्वर्ग की तरफ मुड़ जाए हल्का फुल्का। वैसे मैं चीज़ें मानता नहीं, मैं ये मानता हूँ कि स्वर्ग भी यहीं पर ही है, नरक भी यहीं पर ही है, जो जो सो बीजेगा सो पाएगा, मतलब जो जो बीजेगा सो पाएगा, मतलब ऐसे पंजाबी में कहावत है, हिंदी में भी ऐसी होती है कि आप जो करोगे यहीं अच्छा करोगे तो आपको यहीं पर लास्ट में अच्छा होगा, यहीं बुरा करोगे तो लास्ट में आपको यहीं पर भुगत के रहना पड़ेगा, आप खुद नहीं भुगतोगे तो आपके फैमिली मेम्बर्स भुगतेंगे, कि मैंने देखा है बहुत बढ़िया था। चलो छोड़ो, नेगेटिव नहीं बोलेंगे, पॉजिटिव बोलेंगे, पॉजिटिव रहेंगे, अपनी हाइपर राइडिंग बीच में रह गई, अब तो करोलबाग पहुँचने वाले हैं, चलो कोई बात नहीं यार। अच्छा वैसे मैंने कैमरा अपना ऑफ कर दिया था, बट मेरे माइंड में एक चीज़ थी इसलिए मैंने वापस ऑन किया, यार बोल रहा हूँ कोई ऑफेंस मतलब मत होना, क्योंकि मैंने एक्चुअली मैं कई बार वीडियोज़ बनाता हूँ, जैसे पीछे एक्सीडेंट वाली वीडियो थी या वैसे कभी वीडियो थी एक जिसमें लड़के मैंने राइड किया सरदार लड़का था, तो कई ऐसे सीरियसली कई ऐसे कुत्ते के बच्चे होंगे ना सुनेंगे मैं सबने कर लिया वो पता क्या कमेंट करेंगे इस वीडियो के ऊपर, कि पहली चीज़ ये तो स्क्रिप्टेड थी, सेकेंड थिंग कि ये सरदार था और मैं भी सरदार हूँ इसलिए मैंने इसकी मदद कर दी। कोई फ़र्क नहीं पड़ता यार, कोई सरदार हो, हिंदू हो, मुस्लिम हो, डजेंट मैटर, हम सब इंसान हैं, और अगर उस जगह पर कोई मुस्लिम भी होता, कोई क्रिश्चियन भी होता, कोई हिंदू भी होता, तो मैं उसकी भी उतनी रुक के मदद करता जितनी मैंने उनकी करी। बस छोटी सी क्लैरिफिकेशन दे रहा हूँ, देनी बनती नहीं है, बट कई लोग ऐसे हार्श कमेंट करते हैं ना दिल टूटता है, तो वो सोच के मैंने कहा एक बार बोल ज़रूर दूँ ये चीज़, क्योंकि मुझे पता है कि ऐसे कमेंट आ सकते हैं इस वीडियो के ऊपर अगर ये पॉइंट डालूंगा मैं इसमें। तो लो जी पहुंच गए हैं मोटो किंग, आए आए हाय मोटो किंग, सो डेटोना, ये लड़का बड़े से राइड पे नहीं आया अपने गोल्डन वो लेके, क्या लेके, जिक्सर लेके नहीं आया मैं जो मित्र राइड करने यार, रेस नहीं खेलते बहुत दिन हो गए मेरे से। तो जी फिलहाल मोहित अपनी ट्रायम्फ डेटोना पे एंड हमारे सुमित अचरा साहब अपने जीन ओसो पे, हम सारे जा रहे हैं बाइकर्स वर्ल्ड करोलबाग जो नवा खुला है, अभी आपने पीछे देखा होगा दो तीन ब्लॉग व्लॉग में भी आया था, तो मोहिन भाई के पास जा रहे हैं, कुछ काम है, कुछ अपना कोई डिस्कस डिस्कस करना है भाइयों ने बिजनेस के बारे में, बिजनेस यू नो बिजनेस, हाय लाउड दिनों से यार, हाय केजे भी यहीं पर ही है। अल्लाह जी पहुंच गए हम बाइकर्स वर्ल्ड। Six hours later. आपने पढ़ लिया, तो हम अब आ चुके हैं घर अपने एंड अब हमने निकाल लिए भूसा को, सो भूसा पे मैं जा रहा हूँ रेस्टोरेंट वैसे तो, पर वहाँ से मुझे आगे जाना है इंदर के पास, इंदर सिंपली इंदर 650 नाम से भाई का चैनल है, सो उसने नवा स्टूडियो बनाया है तो मुझे इन्वाइट किया है कि आओ भैया एक बार स्टूडियो देखो, स्टूडियो व्लॉग करो, एंड इसीलिए मैं जा रहा हूँ, मगर ठीक है। अच्छा और एक चीज़ और, वैसे प्रमोशन करना चाहिए नहीं करना चाहिए पता नहीं, बट ये बैग मैंने अभी यार रिसेंटली मासूम से लिया था, बहुत बम्बे है, मैंने एक तो लास्ट एट पे भी देखा होगा कि मैंने थाई पे भी, इसको थाई पे भी डाल सकते हो, स्लिंग बैग भी बना सकते हो एंड टैंक बैग भी बन जाता है साथ साथ। सो अगर आप ब्लॉगिंग करने सोच रहे हो तो बहुत अच्छा है कि मैंने मेरे तीन कैमरे इसके अंदर हैं और मेरा प्रोटीन शेक वाला और छोटा मतलब और छोटा मोटा सामान आ जाता है काफ़ी, सो इट इज़ वर्थ बाइंग, ट्राई करना अगर आप चाहिए हो तो किसी को भी, मतलब मासूम को ट्राई करना, मेरे पास नहीं, ठीक है। हमारे हाथ वाले GoPro 7 को रखते हैं अंदर, देखो मैंने इसमें अपना प्रोटीन शेक का भी टम्बलर भी डाल रखा है और 360 कैमरा भी डाल रखा है, दो एक्स्ट्रा बैटरीज भी डाल रखी हैं एंड एक ये वाला जो देखा आपने क्या मतलब सारा सामान डाल रखा है एंड फिर भी काफ़ी अच्छी कैपेसिटी है यार, मतलब मुझे पसंद आया बैग, मैं रेगुलर यूज़ कर रहा हूँ एंड एक्चुअली हैंडी है, मैं वैसे रेगुलर ना बैग वरना पीछे कैरी करता था गॉड्स का, लेकिन उसको फिर आप उठा उठा के घूमो कहीं रखो करो, इसमें ये है कि आपने जहाँ पे से बाइक ला रहा हूँ तो टैंक पे लगा दिया, कोई मेरे को कोई वेट नहीं पड़ रहा एंड सेकेंडली जब मैं अगर चल भी रहा हूँ बाइक से नहीं तो मैं को थाई पे लगा लेता हूँ ईजली या स्लिंग बना लेता हूँ, तो मेरे पास रहता है छोटा तो हैंडल भी हैंडी भी रहता है काफ़ी ज़्यादा। तो मैंने वैसे ये लिया है मोटो किंग से, आप वैसे ऑनलाइन ढूंढ सकते हो मिल जाता है, नहीं तो मोटो किंग पे तो आपको पता ही नंबर गूगल पे इजली मिल जाएगा, वहाँ से कॉन्टैक्ट कर सकते हो, मासूम को मेरा नाम रहता है वो तो डिस्काउंट भी कर देता है, ऐसी बात नहीं है, इज्जत करता है भाई अपनी। लो जी हमने अपने रेस्टोरेंट के स्टाफ को छोड़ दिया, मतलब मेरे गोविंद को यहाँ छोड़ दिया मैंने एंड मैं जा रहा हूँ इंदर के घर,
देखते हैं कैसा स्टूडियो बनाया भाई ने। बहुत बहुत ज़्यादा पंप है। अभी मुझे को फ़ोन आया था कि पाजी 360 कैमरा ले के आना है। मैं कह रहा हूँ स्टूडियो की लुक डबल हो जाएगी। मैं कहा ठीक है जी, लेके आएंगे जी। अच्छा मुझे, मैंने भी स्टूडियो आगे बनाना अपना, मुझे कुछ आइडिया मिल जाएगा ही कैसे बना सकते हैं, क्या ऑप्शन हैं। इट्स ऑलवेज गुड यू नो। हाँ फाइनली पहुंच गए हैं इंद्र के घर भैया। शाम के टाइम बहुत ट्रैफिक था एंड बहुत बहुत क्या था, बहुत बाइक हीट भी हो गई है इसलिए, बट कोई नहीं, हम पहुंच तो गए हैं। इंद्र अपनी बाइक से ही पर्दा हटाते हुए। सो जी फाइनली पहुंच चुके हैं हम सिंपली इंद्र के घर पर। ठीक है जी सिंपली इंद्र जी, थैंक्स लॉट फॉर कॉलिंग मी यार। भाई ने दो तीन में बोला कि मैंने स्टूडियो बनाया है, देखना है। तो ये सिंपली इंद्र की CBR 650 FF बहुत प्यारी बाइक है। CBR से वैसे मेरा पुराना था, तो एक्सेलरेटर डोर का CBR मेरा सेम कलर की थी वो भी, बट पर्टिकुलर ये बाइक बहुत प्यारी है। मैंने लास्ट संडे राइड भी बहुत बड़ी बम भाग रही थी। ठीक है चलो, अब इतने सरप्राइज प्लान करा है। सरप्राइज ये है कि यार सबका ड्रीम होता है, जो भी हम होते हैं कि हमारा एक ड्रीम स्टूडियो हो, ड्रीम रूम हो। तो मैंने बड़ी मेहनत से भाई तैयार करा है, भाई को बड़े प्यार से मैंने बुलाया है। रिएक्शन रिकॉर्ड करने हैं, मैं आपको दिखा देता हूँ कि रूम पहले कैसे था। अच्छा एक बार देख लेते हैं, है ना। ये मेरा पुराना रूम है, एकदम खचाड़ा, मतलब स्टोर रूम था पहले। स्टोर रूम था एक्चुअली ये, ठीक है, पुरानी लोहे की अलमारी और टूटा फूटा सब कुछ। क्या बात है। अच्छा आप नवा देखेंगे। नाउ विल गो टू द बिफोर वाला, आफ्टर पार्ट। आफ्टर पार्ट चलो ठीक है। आओ जरा फोन में सर, कैमरा पड़ा है, फिर रिएक्शन मैंने देना, तो फिर मैं भी हेल्प करता हूं प्लीज सर। अब मैं अच्छा पहले से देखा भाई जी, वेलकम टू माय स्टूडियो सिंपली इन द, कीप गोइंग, एवरीथिंग यू नीड विल कम टू यू एट द परफेक्ट टाइम। बहुत ही डीप मीनिंग वाली लाइन, पॉजिटिविटी होनी चाहिए। जहां जाओ आ जाओ भाजी आ जाओ। अरे क्या बात है, क्या बात है। सीरियसली बहुत बढ़िया लग रहा है मेरा, सीरियसली बहुत बढ़िया लग रहा है। एंड ये लग नहीं रहा है वो सेम रूम जो मैं पहले देख रहा था। बहुत अच्छा लग रहा है, मतलब लाइटिंग देखो भी पूरा पिंक हो गया। बहुत प्यारा, बहुत प्यारा हो गया, डिफरेंट चीज है बिल्कुल। एंड मुझे तो ऐसे तो फील आ रही है किसी बड़े महंगे से कैफे में आए हो, पूरी लाइट वाइट जला देता तो लोगों को दिख रहा था अकेले ही। सो सीरियसली पहली बार जब मैं आया अंदर तो मुझे सीरियसली ऐसा लगता है जैसे कि मैं किसी कैफे में आ गया हूं। एंड अभी कोई यहां से कोई डांस वास करता है। जोक्स अपार्ट, सीरियसली इंदर बहुत मेहनत की है। हां जी हां जी, एक हाइलाइट है, दिस इज माय नियॉन सिंपली इंदर का डिजाइन, बहुत प्यारा लग रहा है। ये नियॉन है ना, कमरे को पर्पल शेड देते हैं। बहुत अच्छा, सिर्फ यही चल रहा है और कुछ नहीं चल रहा है। सिर्फ नियॉन ब्लू नहीं, जो ये पिंक सी फील आ रही है रूम के अंदर, ये सिर्फ रेड एंड ब्लू गिव्स पर्पल एंड पिंक। ओके ओके ओके, नहीं बहुत प्यारा कलर लग रहा है। ठीक है तो दीस आर द हाइलाइट्स, बाकी मैंने वो लगाई लाइट स्पेशल। अच्छा वहां ऊपर ठीक है, मेरा इंटीरियर पूरा वाइट है, दीवार भी वाइट है, सोफे वाइट है। वाइट ही आई थिंक इससे कौन ज्यादा उठा के ज्यादा अच्छा, ज्यादा बड़ा बिग फील दे रहा है। बहुत बहुत प्यारा, मतलब मुझे बस नहीं ऐसा लग रहा कि मैं किसी ना मूवी के सेट पॉइंट पे आ गया हूं, कोई बेडरूम शेड रूम लग रहा है। बहुत प्यारा बाइकर्स के लिए, हां हेलमेट के लिए कुछ जगह बनाई है मैंने। अच्छा तो आप अपने पूरे आ गए जितने हेलमेट आपके आवाज, क्या बात, नो आ गया बीच में, मतलब यहाँ पर इंदर अपने एक दो तीन चार, मतलब पांच हेलमेट लेने वाला है। अब तो लेगा पांच हेलमेट, देख ले, लेने पड़ेंगे तेरे को। हेलमेट के लिए पूरी जगह है, आपकी हेवी जैकेट के लिए पूरी जगह है। बहुत बेहतर, तो मुझे तो बहुत पसंद आया। एंड आपको पता है मैंने भी डिजाइन करना है अपना एक छोटा सा रूम नवे वाले घर में, इतना बड़ा नहीं होगा ये ऑन रिकॉर्ड बोल रहे हैं कि ये मेरा रूम डिजाइन करा है। एक और बंदा आ रहा है, उनमें भी लगवाते हैं। अच्छा ठीक है जी, एक और भी बंदा भी आ रहा है, इससे मिलते हैं। लो जी निकल गए इंद्र के घर से वापस उसके स्टूडियो से वापस, बहुत बढ़िया स्टूडियो बनाया भाई ने। एंड चलते हैं फटाफट से रेस्टोरेंट पर, वहीं जाके आज के शाउट आउट देंगे एंड ब्लॉग करेंगे एंड। ठीक है जी, सो जी टाइम आ गया आज के शाउट आउट देने का। सो आज का जो पहला शाउट आउट है वो है सिद्धार्थ के लिए। एंड आज का सेकेंड शाउट आउट है अयान के लिए। तो आप सब दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत प्यार। एंड इसी नोट पर करेंगे आज का ब्लॉग एंड। सो राइट आर्ट राइट सेफ, दुआओं में याद रखना, प्यार देते रहना, प्यार लेते रहना। खुदा हाफिज़, रब रखा।